कोरोना संकट काळात पोलिसांच्या वतीने वाशिम जिल्हा ग्रीन झोन साठी खबरदारी घेत जामा मस्जिद ट्रस्टचे अध्यक्ष मौलाना अन्सार अहमद खान यांनी रमजान ईदची नमाज घरीच अदा करण्याचे आवाहन मुस्लिम बांधवांना केले आहे. रमजान ईदच्या खरेदीसाठी मुस्लिम बांधवांनी गर्दी करू नये. कोरोना संकट काळात वाशिम जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये असल्याने लॉकडाऊनमध्ये मंगरुळपीरला ज्या सवलती मिळत आहे त्यासाठीच खबरदारी म्हणून पोलिसांच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले. बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के पेश नज़र ऐसा लगता है कोरोना वायरस को ख़त्म करने की लड़ाई लंबी चलने वाली है. जब तक वायरस ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, हमको इन एहतियात पर अमल करना है. जब तक कोरोना वायरस मुकम्मल ख़त्म नहीं होता और लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, हमको एहतियात पर अमल करना है. घरों से निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, चेहरों पर मास्क लगाएं. याद रखो, हमारे शहर मंगरुळपीर में अगर एक भी मरीज कोरोना वायरस का पाया गया तो मिल रही सारी सहूलतें ख़त्म हो जाएगी. मालदार हैं, ये अल्लाह का फजल है. लिहाजा अपने अतराफ में जो गरीब हैं उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें. हम ईद की ख़रीदारी कर रहे हों और हमारे अतराफ में कुछ गरीब घराने दाने दाने को तरस रहे हों, ये हमारे ईमानी गैरत के ख़िलाफ़ है. गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करें और ईद के इस मौके पर उनको भी अपने साथ खुशियों में शामिल करें. अपनी ईद को सादगी के साथ बनाएं, बिल्कुल ख़रीदारी ना करें. पुराने कपड़ों में ईद मनाएं, पुराने जूतों में ईद मनाएं. अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाएं. वी24 तास करिता विनोद डेरे मंगरुळपीर वाशिम.